बूढ़े को शिव के प्रति बहुत गहराई से समर्पित हो गए थे और वे बहुत स्त्रैण बन गए थे। तो पार्वती को इससे थोड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने पार्वती से थोड़ा दूर हटने को कहा। शिव अपनी पत्नी और अपने भक्त के बीच चल रहे इस झगड़े से हैरान थे। अगर आपको यह पहले से पता नहीं है कि योग परंपरा में शिव को भगवान की तरह नहीं बल्कि आदि योगी के रूप में देखा जाता है, इसका मतलब है कि वो पहले योगी हैं और आदि योगी यानी पहले गुरु भी हैं। और आज एक विज्ञान के रूप में योग, एक प्रणाली के रूप में योग, आंतरिक खुशहाली के लिए एक तकनीक के रूप में योग हमारे लिए सिर्फ नारित्व के एक खेल के कारण उपलब्ध हुआ है, यानी पार्वती ने उन्हें सिखाने के लिए मजबूर किया था, उन्होंने खुद कभी ऐसा नहीं किया होता। तो क्योंकि वे प्रथम गुरु बने तो स्वाभाविक रूप से उनके शिष्यों और भक्तों का विकास हुआ। पहले 7 शिष्य जिनको उन्होंने योग सिखाया उन्हें सप्तऋषि कहते हैं। इन सप्तऋषियों में से पूरा दक्षिणी रहस्यवाद अगस्त्य मुनि से आया है। वे हमारे लिए सब कुछ हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम जानते हैं वह उन्हीं से मिला है। वे खुद ही शिव के शिष्य थे। एक दूसरे शिष्य थे भृगु। भृगु शिव के प्रति बहुत गहराई से समर्पित हो गए थे और वे बहुत स्त्रैण बन गए, क्योंकि भक्ति की प्रकृति स्त्रैण है। वे शिव के बहुत बड़े भक्त बन गए। तो हर दिन वो आते और वो 3 बार शिव की परिक्रमा करना चाहते थे, यानी वो 3 बार प्रदक्षिणा करना चाहते थे। इसके बिना वो अपना दिन शुरू नहीं करते थे। और पार्वती वहीं पर थी, तब तक वे भी पूरी तरह से आत्मज्ञानी बन चुकी थीं, लेकिन भृगु उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करके सिर्फ शिव के चारों ओर घूमते थे, उन दोनों के चारों ओर कभी नहीं। तो पार्वती को इससे थोड़ा गुस्सा आया, तो एक दिन वो शिव के पास बैठ गईं। तब भृगु आए और देखा कि पार्वती के चारों ओर घूमे बिना शिव के चारों ओर घूमने का कोई तरीका नहीं है, तो उन्होंने पार्वती से थोड़ा दूर हटने को कहा। ऐसा तरीका एक भक्त का होता है, वे तार्किक नहीं होते, बहुत स्त्रैण होते हैं, लेकिन वे बहुत तीव्र होते हैं। पार्वती ने कहा, मैं दूर क्यों हटूं? उन्होंने कहा, मैं सिर्फ भगवान के चारों ओर घूमूंगा, आपके नहीं। भृगु ने देखा कि सिर्फ शिव के चारों ओर घूमने के लिए जगह काफी नहीं है, तो उन्होंने खुद को एक चूहे में बदल दिया और पार्वती को अनदेखा करके या पार्वती को परिक्रमा में शामिल न करते हुए सिर्फ शिव के चारों ओर घूमने लगे। So Shiva was just amused by this tiff that is going on between his wife and his devotee. शिव अपनी पत्नी और अपने भक्त के बीच चल रहे इस झगड़े से हैरान थे। उन्होंने पूरी बात का जायजा लिया और उन्होंने बस यह देखने के लिए कि अब भृगु क्या करेंगे, पार्वती को झपटकर अपनी गोद में बैठा लिया। अब वह पार्वती की परिक्रमा किए बिना शिव की परिक्रमा कैसे करेंगे, क्योंकि वो उनकी गोद में बैठी हैं। तब भृगु ने खुद को एक पक्षी में बदल दिया और बस शिव के चारों ओर घूमने लगे। और शिव इस भक्ति से पूरी तरह से चकित थे। एक भक्त खुद को किस तरह अभिव्यक्त कर रहा है, इस बात से वे बहुत खुश थे और साथ ही हैरान भी थे कि इस भेदभाव के कारण पार्वती किस तरह परेशान हो रही हैं। तो शिव ने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं कि अब तुम क्या करोगे। तो उन्होंने पार्वती को खुद के एक हिस्से के रूप में शामिल कर लिया। शिव आधे पार्वती बन गए थे और आधे स्त्री आधे पुरुष, वे आधे आदमी आधे औरत हैं।
अगर कोई यह जानता है कि इसे पूरी सीमा तक कैसे पोषित किया जाए, तो यह आधा पुरुष आधा स्त्री बन जाएगा और ये ऐसा ही होगा। तो इसे अर्धनारी कहते हैं, जहाँ वे आधे आदमी और आधे औरत हैं। तो उन्होंने पार्वती को अपना एक हिस्सा बना लिया, बस ये देखने के लिए कि अब भक्त क्या करेगा। अब भृगु ने खुद को मधुमक्खी बना लिया और सिर्फ दाहिने पैर के चारों ओर घूमने लगे। तो शिव और पार्वती दोनों हंसे और उन्होंने कहा, ये आदमी नहीं है, इनमें स्त्री प्रकृति बहुत ज्यादा है। वो जिस चीज के प्रति समर्पित हैं, वही उनके लिए सब कुछ है, बाकी कोई चीज उनके लिए मायने नहीं रखती। तो वे बाएं पैर के चारों ओर जाने से इनकार करते हुए बस दाहिने पैर के चारों ओर घूमने लगे, क्योंकि बाया पैर पार्वती है। फिर भृगु की भक्ति का यह बचकाना तरीका मनोरंजक और अच्छा था, लेकिन साथ ही शिवा नहीं चाहते थे कि भृगु अपनी भक्ति में खो जाएं और अस्तित्व की परम प्रकृति से चूक जाएं। तो वे सिद्धासन की योग मुद्रा में बैठ गए, जहां उनके पैर या उनके शरीर के किसी दूसरे हिस्से की परिक्रमा करने का कोई तरीका नहीं था। If he has to do it, he has to do it for both these principles of feminine and masculine. अगर उन्हें ऐसा करना है तो उन्हें इसे नारित्व और पुरुषत्व दोनों ही सिद्धांतों के लिए करना होगा। तो इसी तरह से यह शरीर ऐसा बन गया है कि यह आधा पुरुष और आधा स्त्री है, या पुरुषत्व और नारित्व बराबर अनुपात में है। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि इसको कैसे पोषित करे, तो हर इंसान में दोनों पहलू पूरी तरह से सक्रिय और जीवंत रहेंगे। अगर हम अपने इन दो हिस्सों को बराबर तीव्रता से स्पंदित होने दें, तो हम में से हर एक अपने आप में 100% पुरुष और 100% स्त्री हो सकता है। योग का पूरा विज्ञान इस पर आधारित है कि आपको अपने अंदर न तो पुरुषत्व से चूकना चाहिए और न ही नारित्व से, क्योंकि इनमें से एक अकेला अधूरा जीवन होगा। अब जब हम योग कहते हैं, तो हम एक ऐसी आयाम की बात कर रहे हैं जो सर्वसमावेशी है। यह एक कसरत या सेहत बनाने की प्रक्रिया नहीं है, यह मनुष्य के परम कल्याण के बारे में है, जिससे आप जीवन के किसी भी पहलू को बाहर नहीं रख सकते। यह सभी आयामों से परे एक आयाम प्राप्त करने के बारे में है। यह एक ऐसी प्रणाली और विधि के बारे में है जो आपके अपने मौजूदा तंत्र को चैतन्य तक पहुंचने की एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करती है, ताकि आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावना और आपकी ऊर्जाएं चैतन्य तक ले जाने की सीढ़ी बन जाए, यानी आप खुद को अपनी परम प्रकृति की दिशा में एक सोपान बना लें।